गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दक्षिता शर्मा है। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव सक्सेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ वेस्टीज का नया मार्केटिंग प्लान शेयर करने वाली हूं, जिसका नाम है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि मैं वेस्टीज रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ। ये अपडेटेड प्लान जून 2020 से दिसंबर 2020 तक वैलिड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 जून 2004 को वेस्टीज शुरू हुई थी और 2 जून 2020 को कंपनी के 16 साल पूरे हुए हैं, जिसका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन डिजिटली किया गया था, जहां पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली सर ने कंपनी के अपडेटेड मार्केटिंग प्लान की जानकारी दी थी। वेस्टीज में पहले 7 टाइप्स की इनकम हुआ करती थी, लेकिन अब कंपनी के नए अपडेटेड मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अब वेस्टीज में 7 तरह की इनकम नहीं है। अब वेस्टीज में टोटल 9 तरह की इनकम है, जिसमें पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट, दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, तीसरी इनकम है ब्रांच डायरेक्टर बोनस, चौथी इनकम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, पांचवी इनकम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, छठवीं इनकम है ट्रैवल फंड, सातवीं इनकम है कार फंड, आठवीं इनकम है हाउस फंड और नौवीं इनकम है एलीट क्लब बोनस। अब मैं एक एक करके सभी इनकम्स की जानकारी देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट की, जो कि पहले की तरह 10-20% होगी, यानी कि आपको वेस्टीज के हर प्रोडक्ट पे MRP पे 10-20% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, जिसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। पहले परफॉर्मेंस बोनस हुआ करता था 5% से 20%, और 20% के लेवल को हम कहते थे ब्रांच डायरेक्टर लेवल, लेकिन अब नए प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बोनस होगा 5% to 11%। 1 PV से 599 अक्यूमुलेटिव PV पे होगा 5%, 600 से 2399 अक्यूमुलेटिव PV पे होगा 8%, 2400 PV से 5499 अक्यूमुलेटिव PV पे होगा 10%, और 5500 प्लस अक्यूमुलेटिव PV पे मिलेगा 11%, और अब इसी को हम कहेंगे ब्रांच डायरेक्टर लेवल। तो ऐसे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनका जून 2020 से पहले अक्यूमुलेटिव 5500 प्लस PV था, वो ऑलरेडी ब्रांच डायरेक्टर्स बन गए हैं। तो जून 2020 से पहले के जितने भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनका लेवल था 14% या फिर 17%, वो आज की तारीख में ब्रांच डायरेक्टर्स बन चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द 14% एंड 17% डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैं बता देती हूँ। तो पुराने प्लान के अकॉर्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रांच डायरेक्टर बनने के लिए अक्यूमुलेटिव 10,000 प्लस PV करना होता था, लेकिन अब एक डिस्ट्रीब्यूटर 5,500 अक्यूमुलेटिव PV करके ब्रांच डायरेक्टर बड़ी आसानी से बन जाएंगे। बात करते हैं एडिशनल एडवांटेजेस की। तो फास्ट स्टार्ट 8% और फास्ट स्टार्ट ब्रांच डायरेक्टर अभी भी वैलिड है। यदि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी सिंगल मंथ में 282 PV का बिजनेस करते हैं तो उन्हें मिलेगा 8% का लेवल और फास्ट स्टार्ट के सभी बेनिफिट्स। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल मंथ में 4,500 प्लस PV करते हैं तो वो बन जाएंगे क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर, और इसी के साथ उन्हें फास्ट ब्रांच डायरेक्टर के सभी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब बात करते हैं अगली इनकम की। तो वेस्टीज की तीसरी इनकम है ब्रांच डायरेक्टर बोनस, जो कि है 4%। ये इनकम केवल क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर्स के लिए है। पहले के प्लान में क्या होता था, जो डायरेक्टर बोनस होता था वो क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर्स एंड अबव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, जिसकी वजह से एक क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर को उतना अच्छा डायरेक्टर बोनस नहीं मिल पाता था। यदि वो 2001 PV से ब्रांच डायरेक्टर क्वालिफाई करते थे तो उन्हें लगभग 1500 से 2000 तक का डायरेक्टर बोनस मिलता था, लेकिन अब ब्रांच डायरेक्टर बोनस की वजह से इन क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर्स को लगभग 3 गुना ज्यादा डायरेक्टर बोनस मिलेगा, क्योंकि ये इनकम केवल क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर्स को ही मिलने वाली है। चौथी इनकम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कि है 14%। ये बोनस सभी क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पांचवी इनकम है LOB, यानी कि लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि पहले थी 15% लेकिन अब बढ़कर हो गई है 16%। LOB सभी क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। टू ऑल द क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबव, यदि आपके डाउनलाइन आप ही का लेवल मेंटेन करते हैं, लेट्स अज्यूम कि आप क्राउन डायरेक्टर हैं और आपके डाउनलाइन ने भी क्राउन डायरेक्टर मेंटेन किया है, तो आपको मिलेगा 1+3 डेप्थ तक LOB, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू प्लान। छठवीं इनकम है ट्रैवल फंड, जो कि 3% से बढ़कर हो गई है 5%। ट्रैवल फंड सभी क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ट्रैवल फंड दिया जाएगा 5 लेवल्स तक।
सातवीं इनकम है कार फंड, जो कि है 5%। कार फंड सभी क्वालिफाइड स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आठवीं इनकम है हाउस फंड, जो कि है 3%। हाउस फंड सभी क्वालिफाइड क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आखिरी इनकम है एलीट क्लब बोनस, जो कि है 2%। ये बोनस केवल क्वालिफाइड डीसीडीज और डीओसीडीज के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैं आपको याद दिला दूं, ये प्लान वैलिड रहेगा जून 2020 से दिसंबर 2020 तक। इसके अलावा कुछ एडिशनल बिजनेस रूल्स, कार फंड पे कैपिंग होगी 80,000 पर मंथ, हाउस फंड पर कैपिंग होगी 1,00,000 पर मंथ और एलीट क्लब फंड पे कैपिंग होगी मात्र 20,00,000 रुपए पर मंथ। इस अपडेटेड प्लान के अलावा डायरेक्टर एंड अबव के क्वालिफिकेशन कंडीशंस बिल्कुल सेम रहेंगे पुराने प्लान जैसे। मैं आपको वो क्वालिफिकेशन कंडीशंस बता देती हूँ। शुरू करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर के साथ। ब्रॉन्ज डायरेक्टर को क्वालिफाई करने के लिए एक महीने में चाहिए होंगे 2001 पीवी। तो यदि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का अक्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू 5,500 से ज़्यादा होता है तो वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, लेकिन यदि उन्होंने उस पर्टिकुलर महीने में 2001 पीवी नहीं किया तो वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए उन्हें एक सिंगल मंथ में 2001 पीवी करना होगा। तो यदि आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस का फायदा उठाना है तो आपको एक सिंगल मंथ में 2001 पीवी करना होगा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बाद अगला लेवल होता है सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए आपके किसी भी एक लेग में क्वालिफाइड डायरेक्टर होना चाहिए और उसके अलावा आपका साइड वॉल्यूम होना चाहिए 1801 पीवी। क्वालिफाइड डायरेक्टर का मतलब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इस लेग से आपका मिनिमम 2001 पीवी का बिजनेस होना चाहिए, तब ये लेग कहलाएगा आपका क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग। और इसके अलावा साइड वॉल्यूम होना चाहिए 1801 प्लस पीवी। सिल्वर डायरेक्टर के बाद अगला लेवल आता है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपके किसी भी दो लेग में क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए और आपका साइड वॉल्यूम होना चाहिए 1501 प्लस पीवी। गोल्ड डायरेक्टर के बाद अगला लेवल आता है स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर बनने के लिए आपके किसी भी तीन लेग में क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए और आपका साइड वॉल्यूम होना चाहिए 1001 प्लस पीवी। स्टार डायरेक्टर के बाद अगला लेवल आता है डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए आपके किसी भी चार लेग में क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका साइड वॉल्यूम होना चाहिए 501 प्लस। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका साइड वॉल्यूम मेंटेनेंस कम होता जाता है। ये इसलिए होता है ताकि आप अपने डेप्थ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाएं। डायमंड डायरेक्टर के बाद अगला लेवल होता है क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए आपके किसी भी 6 लेग में क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए और इस लेवल के बाद आपको कोई भी साइड मेंटेन नहीं करना होता है। क्राउन डायरेक्टर के बाद अगला लेवल होता है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यूसीडी बनने के लिए आपके 8 लेग्स में क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए। यूसीडी के बाद अगला लेवल आता है डबल क्राउन डायरेक्टर। डीसीडी बनने के लिए आपके 12 लेग्स में क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए। डीसीडी के बाद अगला और आखिरी लेवल होता है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और डीयूसीडी बनने के लिए आपके 16 लेग्स में क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये थे वेस्टीज के सभी लेवल्स और उनके क्वालिफाइंग कंडीशंस। आई होप कि अब आपको वेस्टीज का नया प्लान क्लियर हो गया होगा। ये प्लान दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेगा। उसके बाद ये प्लान कंटिन्यू होता है या पुराना प्लान वापस इम्प्लीमेंट होता है, इसकी जानकारी कंपनी हमें बाद में देगी, लेकिन तब तक के लिए हमें इस प्लान का मैक्सिमम फायदा उठाना होगा। कंपनी समझती है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बिजनेस करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, हम अपनी टीम की ग्रोथ उतनी तेज़ी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कंपनी ने अपना मार्केटिंग प्लान इतना आसान बना दिया है। आजकल की इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए वेस्टीज यही चाहती है कि हर कोई आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए कंपनी अपना पूरा सपोर्ट दे रही है। कंपनी ऑफिशियल जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैक्सिमम फायदा हो पाए। इसी के साथ कंपनी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कई सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं। वेस्टीज बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाली है, जैसे कि फेस मास्क, हैंड वॉश रिफिल पैक, अश्योर नाइट जेल, मल्टीपर्पज डिसइनफेक्टेंट स्प्रे, अश्योर हैंड क्लेंजिंग जेल, अश्योर जर्म्स प्रोटेक्शन सोप, एडवांस कैटेगरी अश्योर नेचुरल्स, एनोवा एनर्जी एंड प्रोटीन स्नैक बार, और भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। वेस्टीज के और भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जिन पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।